हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका टारगेट हमने किया है हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 पूरे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं शुरू से अंत तक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अनलैक है, मैंने आपको अलग कर दिया है और करवा दिया है बस अलग उसे, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आपको रट लेना है 50-50 करके, मैं चार पार्ट में वीडियो आपको दूंगा, ये पार्ट वन है, ठीक है। पार्ट टू भी आपको कल मिल जाएगा, उसके बाद जो 4 दिन के अंदर आपको खत्म कर दूंगा। और 100-100 क्वेश्चन का 2 पार्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो कल मैं PDF प्रोवाइड करता हूं आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फटाक से। देखिए ये क्या है, हड़प्पा कीटों का नाप का अनुपात क्या था। हड़प्पा जो दोस्तों क्या एक सभ्यता थी, ठीक है, जिसको हम लोग इतिहास में सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब के उस टाइम जो दीवारें रहती थी घरों की, तो उसमें जो ईंटों का ईंट का जो रेशियो रहता था उनके नाप का, जैसे मान लो कि ये क्या है, ईंट है, तो ईंट में क्या क्या रहता है, पहले तो ये जो लेंथ इसकी लंबाई रहती है, फिर ये जो ब्रेथ है इसकी चौड़ाई रहती है, और जो हाइट भी रहती है ना ऊँचाई, इन तीनों का रेशियो क्या रहता था, 1:2:3, ठीक है। चलिए ये कुछ खास रहते थे तभी इनकी नापों के बारे में पूछा जा रहा है। 2 नंबर देखिए, लकुलिस को अवतार माना जाता है, तो लकुलिस एक क्या थे, किसी भगवान के अवतार थे, तो वही बोल रहा जा रहा है कि वो किस भगवान के अवतार थे, वो शिव के अवतार थे, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन है। अब गाइस देखिए, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी जो एक बुक है और इसके ऑथर के बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, इसके लेखक कौन है ये बिल्कुल भी गुमनाम है, किसी को नहीं पता, इसलिए इसका आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। ये आपको ये हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के लेखक के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। चलिए 5 नंबर है, वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय मतलब सेकेंड शताब्दी ईसा पूर्व में गठन व्यापारिक संबंध विकसित किए थे, ठीक है। ये बोल रहे द्वितीय शताब्दी में भारत ने किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध जो विकसित किया था, वो देश का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो द्वितीय शताब्दी में रोम के साथ भारत ने क्या किया था, व्यापार संबंध को क्या किया था, विकसित किया था। चलिए 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। ये चार आपको यह जोड़ पेयर दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है कौन सही नहीं है, ठीक है। पतंजलि महाभाष्य से मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, बस आप पढ़ लेना। ये जो भद्रबाहु जो है बृहत कथा, इसका जो पेयर है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग चारों ऑप्शन पर डिस्कस करने पर थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, बार बार कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं चारों पर मत करो, बस जो आंसर है वो बता दो। चलिए भाई, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब 6 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो दास प्रथा जो भारत में किसने कहा था, वो मेघास्त्री ने कहा था कि भारत में जो है दास प्रथा नहीं है। अब जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है, इस देवी जो है अरण्यानी, इनका प्रथम बार उल्लेख कहाँ किया गया, ठीक है, कहाँ पढ़ने को इनके बारे में प्रथम बार मिलता है, तो ऋग संहिता में इनके पढ़ाए इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। अब देखिए 8 नंबर है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले नहीं हैं, ठीक है, जो है क्या, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले नहीं हैं, तो किस शताब्दी पूर्व से पहले नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 5वीं शताब्दी पूर्व से पहले जो थे प्राचीनतम भारतीय सिक्के नहीं थे, उसके बाद जो आए थे। अब देखिए 9 नंबर, किस देवी का उल्लेख ऋग देवी में नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, किस देवी का उल्लेख जो है। अब 4 ऑप्शन है लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ये है, इन बताने चारों में से किन किन देवी का जो है उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो सिर्फ पार्वती देवी ही ऐसी हैं जिनका उल्लेख जो आपको ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता, बाकी सीता उषा आदिति का मिलता है। अब ये देखिए 10 नंबर में क्या है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आपको जो है ये जो है विदत संस्था जी थी जो नष्ट हो गई थी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर, लेकिन आप याद रखना कि विदत संस्था जी थो ये क्या थी, नष्ट हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन इसलिए मैंने 50-50 किया है कि आपको याद हो जाएगा। अब बताओ आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, ठीक है, किस उपनिषद का ये जो है आत्मा का पुनर्जन्म जो है मुख्य विषय है, ठीक है। तो 21 उपनिषद के बारे में बात किया जा रहा है, तो कौशिकी उपनिषद जो थी आपको याद करने का थोड़े से नाम टेढ़े मेढ़े हैं, कौशिकी उपनिषद में आत्मा का पुनर्जन्म जो है पुनर्जन्म के बारे में दिया हुआ है, जो कि उसका मेन टॉपिक मतलब क्या बोलते हैं मुख्य विषय है, मेन जो मुद्दा है उसका है, सिर्फ ये पुनर्जन्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या किया फोकस किया गया उस पर। 12 नंबर देखो, फारस की मोहर प्राप्त हुई थी, मतलब कहाँ से प्राप्त हुई थी, फारस की जो मोहर बनाई थी स्टैम्प जो थी फारस की, वो जो लोथल से प्राप्त हुई थी आपको,
ठीक है। अब 13 नंबर में देखो, सबसे पहले सिक्कों का चलन किस प्रदेश में हुआ था। जैसे जैसे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे इंटरेस्टिंग मिलेगा, याद करने लायक भी। तो दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो थे कि सबसे पहले सिक्कों का चलन मिला था आपको। देखिए 14 नंबर में वर्धमान को, आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे यही इसी की बात करेंगे हम लोग, भारत की बात की जा रही है, उत्तर पूर्व उत्तर सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जा रही है। वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है, तो उन्हें क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखो, सुख दुख पर विजय पाने के लिए, वो सुख में भी खुश रहते थे और दुख में भी एक समान, मतलब सुख दुख उनके सामने एक जैसा था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? जीन या फिर महावीर, ये याद रख लेना। 15 नंबर में क्या दोस्तों, देखो बुध के अष्टांगिक मार्ग में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो ये 3 सिद्धांत इसमें से ऐसे हैं जो कि उनके अष्टांगिक मार्ग में थे, बट एक ऐसा है गज जो कि ये जो सम्यक चरित्र है कि बुध के जो है अष्टांगिक मार्ग में सिद्धांत नहीं थे, सम्यक चरित्र नहीं है, बाकी दृष्टि वाक् स्मृति है। अब देखिए 16 में क्या है, बुध के उपदेशों का संकलन है। तो बुध के उपदेशों का संकलन कहाँ है गाइज? ये बहुत ज़्यादा है विनय पिटक में, बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है, कहाँ है? विनय पिटक में बुध के उपदेशों का संकलन है। 17 नंबर में देखो, वज्जी संघ में, ये जो संघ है वज्जी संघ में कितने जन सम्मिलित थे? ठीक है, थोड़ा सा आपको ये 8 नंबर है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये जो है आपको अंक याद करने के लिए मिलेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे आपको याद करना होगा, याद हो जाएगा। वज्जी संघ में कितने जन सम्मिलित थे? तो 8। 18 नंबर में, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किला बनवाया तो किसने बनवाया था? ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे, उदयन जो थे गंगा और सोन के संगम पर पटना में किला बनवाया था। ठीक है, अब गए 19 नंबर में, देखिए महाबलीपुरम, उदयन जो था राजा का नाम था, महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? ठीक है, महाबलीपुरम जो है वो किसके शासनकाल में दोस्तों प्रसिद्ध था? तो जो पल्लव जब आए थे तो उनके टाइम पे जो, अब यहाँ पे देखना है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत को जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था जैन धर्म में। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर में, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? राजेश्वर मंदिर कहाँ, ये भी आ सकता है, तो आपको याद करना होगा ये क्या है, तंजौर में, तो उसे बनवाया किसने था? तो चोल ने बनवाया था। ठीक है, 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहाँ था? गाइस ये सारे क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से बहुत सारे आते हैं कि इनकी बंदरगाह कहाँ थी। ठीक है, तो ये जो लोथल में थे। आगे देखते हैं 23 में क्या है, चौथे बौद्ध महासभा मतलब बौद्ध संगति जो है वो चौथा बार वो कहाँ हुआ था, और ये कहाँ नहीं बोल रहा है, किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? ठीक है, तो ये जो है कनिष्क के संरक्षण मतलब इस सनिक्ष में कनिष्क थे, इनके संरक्षण में जो थे चौथे बौद्ध सभा मतलब संगति जो है संपन्न हुई थी। अब देखिए 24 नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ठीक है, तो इसे कृष्ण ने कराया था, ये कृष्ण भगवान की बात नहीं की जा रही है, ये जो राष्ट्रकूट के राजा सम्राट थे उनके बारे में की जा रही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? तो उस टाइम फाहियान जो था आया था, तो ऐसे भी अगर फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत भ्रमण करने आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे उनके टाइम पे ही आया था। 26 देखिए क्या, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? ठीक है, जो चारों एक विद्वान है तो इन्हें पूछ रहा है कि इनमें से भारत सर्वप्रथम किसने आया था, तो फाहियान ही सबसे पहले आया था, किसके टाइम पे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। 27 देखिए दोस्तों, भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था, तो ईरानियों ने किया था। ठीक है, खरोष्ठी लिपि किसने किया था? ईरानियों ने। चलिए 28 क्या, किस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने नाम पर नगर नहीं बसाया है? मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर सिकंदर ने अपना जो है नगर नहीं बसाया, वहाँ पर नगर बसाया तो उसने अपने नाम पर नहीं बसाया, इसके बारे में बोल रही है, तो झेलम के तट पर। चलिए 29 प्रारंभिक पंचमार्ग सिक्के थे, तो प्रारंभिक जो पंचमार्ग सिक्के थे वो किस चीज के थे? चांदी के थे।
खैर इसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो दोस्तों तो आप पे आपके पास बुक होगी आई होप की, लेकिन आप सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है उसमें ज़रा अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में। और फिर तो मुगल शासन के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, उसकी ट्रिक की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उनके शासकों को कैसे याद करते हैं, वो आप देख सकते हो। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम की किस वस्तु को भेजने की प्रार्थना की थी? अब देखो, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किस वस्तु को भेजने की प्रार्थना नहीं की थी, ठीक है? आपको एग्जाम में भी नहीं पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं आता है ना कि हम लोग इसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम के बस उनके प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ को क्या भेजने की प्रार्थना नहीं की थी। यहाँ पे आप देखिए जो है, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त है किस, इसकी पुष्टि कब हुई थी? दोस्तों ये जो है प्रियदर्शी नाम जो थे वैज्ञानिक जो थे हमारे देश के, बहुत बार ये लोग नाम उनको मिलता था प्रियदर्शी, लेकिन आज तक उन्हें समझ में नहीं आया था कि किसके लिए है ये प्रियदर्शी। तो 1915 में इन्हें क्लियर हुआ था कि ये जो है कि अशोक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, हर बार जहाँ भी है आपको, जहाँ पर उनके शिलालेखों में भी प्रियदर्शी वर्ड उन्होंने अपने लिए यूज किया था 1915 में। वो देवताओं के बहुत प्रिय थे मानना है उनका। 32 में देखो क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ, ये जो तीर्थ है शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो वो किसके लिए हुआ है? देखना आपको ये कि जो पदाधिकारियों के वर्ग के लिए हुआ है, पदाधिकारी वर्ग के लिए क्या थे, तीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, ठीक है, जिसको अभी आप लोग क्या बोलते हो, रोड टैक्स। तो उस टाइम मौर्य काल में रोड टैक्स वसूलते थे जो अधिकारी थे उस पोस्ट पे, तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे, हम लोग नहीं वही काल वाले व्यक्ति क्या कहते थे, तो यहाँ पे शुल्काध्यक्ष कहते थे, ठीक है। चलिए, राजा को 34 में मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए यह कहा गया है, तो यह कहा है, किसने कहा है राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, तो इस बात को किसने कहा है, आपको ये कह रहा था कौटिल्य ने ही कहा था इस बात को। अब 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान जो है कनिष्ठ का समकालीन था? इन चारों में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? तो कनिष्ठ में अशोक घोष भी थे, वमित्र भी थे और नागार्जुन भी थे, तो उपयुक्त में सभी, ये चारों जो थे कनिष्ठ के समकालीन थे, उनके टाइम के थे। 36 देखिए क्या है दोस्तों, 36 में थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है, तो ये जो था प्रभाकर वर्धन था, किस वंश का, वर्धन वंश का, ठीक है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन था। अब ये डीपली पढ़ने पे मिलता है ये सारे क्वेश्चन। 37 देखो, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध हुआ, तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, भगवान बुद्ध को बोध गया में जो हुआ था ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था उन्हें। अब देखिए दोस्तों 38 में क्या है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों शक संवत का प्रारंभ 78 AD में हुआ था। अब देखिए 39 में क्या है, 39 में दोस्तों कि अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये सारे क्वेश्चन जो आते रहते हैं घूमने वाले एग्जाम, मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम में दे दिया था उठा के। 40 देखिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो बुद्ध ने जो सारनाथ में जो प्रथम बार जो वचन दिया था, ये शुद्ध हिंदी हो जाता है थोड़ा ना तो प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है उस टाइम उस वचन को क्या कहलाया था, ठीक है, तो उस वचन को जो प्रथम बार दिया था उन्हें धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। अब देखिए 10 क्वेश्चन और रहते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, तो कहाँ पे हुआ ये बताता है, तो ये जो हुआ था दोस्तों यानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था। देखिए महापरिनिर्वाण क्या है, उनकी जो मृत्यु की घटना को कहा जाता है। अब 42 देखिए, 42 में गए, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। अब मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी था, इंडिका बुक को लिखा था। अब देखिए 44 में क्या है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो ऋग्वैदिक काल में एक विवाह प्रथा जो थी प्रचलित थी। 45 देखिए,
द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है, ये थे अलवार थे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही आते हैं तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, सम्राट कनिष्क जो थे वह किस धर्म के जो थे अनुयायी थे, ठीक है, तो ये महायान धर्म के अनुयायी थे। 47 देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो इन्हें चंद्रगुप्त के दरबार में किसने भेजा था, तो सिल्यूकस निकेटर ने किया था। आपको लूसेंट भी आप लोग पढ़ते हो तो फर्स्ट शुरुआत के 2-3 पेज में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन लूसेंट आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना। 48 देखो, अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी। अब चौथी मैंने बता दिया था, अब बोल रही है ये चौथी किसने की थी, कनिष्क ने, ये तृतीय की बात की जा रही है। अशोक के काल में जो थी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तो ये जो थी मुगली पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में की गई थी। 49 देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ थी, सिंधु नदी के तट पर थी। 50 देखिए, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है, तो आपको ये थी उपगुप्त से, ठीक है, उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु थे ये, इनसे क्या थे अशोक ने शिक्षा बौद्ध धर्म के बारे में ग्रहण की थी। दोस्तों 50 क्वेश्चन ही रहने दे, बाकी इधर मैंने अभी इसमें 100 का PDF है, मैं आपको 100 कंप्लीट करा के आपको कल के PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। और ये थोड़ा वीडियो मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़े उन्हें तो मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप की वीडियो पसंद आया होगा आपको, याद कर लेना आप लोग, लाइक जरूर कर देना पसंद आया तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।